हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम अपने बालों को कैसे सिल्की, शाइनी और स्ट्रांग बनाएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। तो हम लोग बालों का एक बहुत हमेशा चिंतित रहते हैं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो बाहर के पोल्यूशन के कारण बालों में, हमारा शरीर में भी बहुत सारा डस्ट जम जाता है। जैसे कि हमारे बालों में भी डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है, उसी की वजह से आजकल की दुनिया में इतने सारे व्हीकल्स, फैक्ट्री के कारण पोल्यूशन भी बढ़ गया है। तो हम लोग बालों को लेकर बहुत सारी परेशानी आती है, जैसे कि हेयर फॉल हो जाता है, डेंड्रफ हो जाता है, बहुत सारे बालों के डिजीज में हो जाता है हमारे। तो इसको हम ठीक करने के लिए, हमारे बालों को स्मूथ, शाइनी, स्ट्रांग बनाने के लिए मैं लाई हूँ एक एमवे ब्रांड के आमला ऑयल। ये हमारा आमला ऑयल, और आज आमला ऑयल के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और हमारे बालों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट में अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स है तो तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके बारे में बात करें, इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट हमारा वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल और आमला सीड ऑयल। तो ये हम बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल के बारे में। तो वेजिटेबल ऑयल हमारे बालों को शाइन करने में हेल्प करता है, और ताकि हमारे बालों में जो हार्डनेस होता है वो हार्डनेस को भी दूर करने में हेल्प करता है। और सेकंड में हम बात करते हैं मिनरल ऑयल के बारे में। मिनरल ऑयल हमारे रूट में जाके स्काल्प को शाइनिंग करने में हेल्प करता है, ताकि साथ ही साथ हमारे स्काल्प को भी स्ट्रांग करने में हेल्प करता है। और हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स है आमला सीड ऑयल, जो हमारा ऑल इन वन है। वो हमारे बालों को स्ट्रांग, स्मूथ, शाइनी और बाल हेयर फॉल को भी रोकता है, और बाल अच्छा ही दिखता है, खुद को भी अच्छा लगता है लगाने। आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हेयर वॉश करने के बाद भी बहुत सारे डैंड्रफ रह जाता है, और बहुत जल्द डैंड्रफ होने हो जाता है। तो उसको भी, डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए हमारा सीड ऑयल बहुत हेल्प करता है। और हमारे बालों में जो डेंड्रफ होता है उसको भी कंट्रोल करने में आमला सीड ऑयल बहुत हेल्प। डेंड्रफ की वजह से हमारा बालों में भी रेडनेस भी हो जाता है, उसको भी हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ज़्यादा डेंड्रफ होने की वजह से हमारा बालों में जो रेडनेस हो जाता है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हमारा बालों को में जो नेचुरल मोटापा होता है उसको भी मेंटेन करने करने के हेल्प करता है। और हमेशा जो हमारा थिकनेस हो जाता है बालों में, जो धीरे धीरे बालों बाल हेयर फॉल होने से धीरे धीरे बाल थिकनेस हो जाता है, उसको भी कंट्रोल करता है। और आमला ऑयल लगाने से आपको ऐसा कोई भी तेल, मार्केट के कोई भी ब्रांड तेल लगाने से थोड़ा खुद को थोड़ा अलग लगता है, ऐसा नहीं। आप उसे 24 घंटे में एक बार जरूर लगाइए। ऐसा लगाने से आप जगह, अगर आपको कोई हेयर फॉल हो रहा है और उस जगह में बाल नहीं निकल रहा है, तो उसको 24 घंटा में एक बार रेगुलर लगाने से उसमें नए बाल भी होता है। गाने से बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और उसका MRP है 80 रुपीस, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आमला ऑयल 200 ml में आता है। एमवे ब्रांड के आमला ऑयल मार्केट के कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट से साथ कंपेयर कर नहीं सकती। ये एमवे ब्रांड के नंबर 1 आमला ऑयल है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यही था मेरी आज की छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज़, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।